नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन इंडिया में। तो यूपी पुलिस में न्यू वैकेंसी निकल के सामने आ चुकी है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है, जहां पर यूपी पुलिस में रेडियो ऑपरेटर के 2463 टोटल पोस्टों पर नई भर्ती निकल के सामने आई है। और यहां पर युवाओं को यूपी पुलिस में जाने का सुनहरा मौका मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको पद मिलेंगे प्रधान परिचालक के, सहायक परिचालक के और कर्मशाला कर्मचारी के, यानी कि इन पदों पर यूपी पुलिस की ओर से आपसे आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम कब होगा, यानी यूपी पुलिस की इस नई वैकेंसी की एग्जाम डेट क्या रहने वाली है, इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहने वाला है, सैलरी आपको कितनी दी जाएगी, और इसके अलावा इस वैकेंसी की अदर डिटेल के बारे में इस वीडियो में विस्तार से डिस्कशन करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा का पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि यदि आप आगे भी इसी प्रकार की नई नई भर्तियों की पल पल की अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हो तो एजुकेशन इंडिया को अभी के अभी सब्सक्राइब करें व पास में आ रहे घंटी के निशान पर भी क्लिक कर दे। तो चलिए अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको इस वैकेंसी का पूरा पोस्टमार्टम करके इस वैकेंसी का ब्यौरा देते हैं। तो यूपी पुलिस की आज ऑफिशियल वेबसाइट पर एक के बाद एक तीन भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन आउट हुए और यहां पर ये युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में जाने का सुनहरा पैगाम लेकर आ चुके हैं। तो यहां पर दोस्तों पहली वैकेंसी निकल के सामने आई यूपी पुलिस में, जो कि यहां पर दोस्तों सहायक परिचालक के पदों पर निकल के सामने आई है। सीधी भर्ती है 2022 की, जहां पर आपको टोटल पोस्ट मिलेगी 1374। यहां पर दोस्तों सामान्य कैटेगरी के लोगों के लिए 552 पदों की संख्या है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों के लिए 137 पोस्टों की संख्या है। वही दोस्तों ओबीसी कैटेगरी के लोगों के लिए 370 पोस्टों की संख्या है। एससी वालों के लिए 288 और एसटी वालों के लिए 27 पोस्टों की संख्या यहां पर है। इसके अलावा इस वैकेंसी में जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 27 पोस्टों की संख्या है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 68 पोस्टों की संख्या है, महिलाओं के लिए 274 पदों की संख्या है। भाई दोस्तों अब बात करते हैं इस वैकेंसी की ऑनलाइन आवेदन की, यहां पर स्टार्ट डेट की, जहां पर 20 जनवरी 2022 से पंजीकरण आरंभ होगा इस वैकेंसी का, और यहां पर ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट रहेगी 28 फरवरी 2022। आवेदन शुल्क की बात करें, जहां पर इस भर्ती प्रक्रिया हेतु सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क ₹400 तय किया गया है। वहीं दोस्तों यहां पर बात करें कुछ शर्तों की पात्रता की, जहां पर दोस्तों भर्ती के लिए आवश्यक है कि यहां पर भारत का नागरिक होना चाहिए अभ्यर्थी। इसके अलावा यदि आप किसी अन्य देश से ताल्लुक रखते हैं तो भी आप इससे यहां पर भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे, हालांकि कुछ कंडीशन आप पर लागू होगी। क्वालिफिकेशन की बात करें, जहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहां पर लिखा हुआ है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से जो भौतिकी और गणित विषयों सहित इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए, तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर पाएंगे। वही दोस्तों आपको जो है आवेदन की लास्ट डेट यानी कि 28 फरवरी 2022 से पहले डिग्री कंप्लीट करनी होगी, अन्यथा आप जो है अपात्र माने जाएंगे, यहां पर ये भी लिखा हुआ है। आयु की बात करें, जहां पर दोस्तों 18 से लेकर 22 वर्ष यहां पर इस वैकेंसी में जो है उम्र मांगी गई है। आगे बात करें यहां पर कुछ और इस वैकेंसी की डिटेल की, जहां पर भर्ती की प्रक्रिया की बात करते हैं, तो यहां पर ये चयन भर्ती प्रक्रिया जो है उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली 2015 के अधीन किया जाएगा। वहीं ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी, जहां पर दोस्तों आपको बता दें कि इस बार इस वैकेंसी का पेपर 400 अंकों का होगा और ऑनलाइन आयोजित की जाएगी ये यहां पर भर्ती।
आपको बता दें कि सामान्य हिंदी के यहाँ पर 100 अंक रहेंगे, विज्ञान और सामान्य ज्ञान के भी 100 अंक रहेंगे, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षा के 100 अंक रहेंगे और मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा के भी 100 अंक रहेंगे। वहीं ऑनलाइन लिखित परीक्षा 2.5 घंटे की होगी। और इसी के साथ ही यहाँ पर दोस्तों, यदि ये वैकेंसी की जो परीक्षा है वह अलग अलग डेट को आयोजित होती है तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा, यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है। इसके अलावा 50% आपको जो है प्रत्येक विषय में लाने होंगे, तभी यहाँ पर जो आप पात्र माने जाएंगे और आप यहाँ पर पास हो पाएंगे। यानी पास आउट होने के लिए 50% आपके हर विषय में यहाँ पर लाने पड़ेंगे। वहीं आगे बात करते हैं यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर ऊंचाई की, जहाँ पर दोस्तों सामान्य OBC और SC वालों के लिए न्यूनतम ऊंचाई रहेगी 168 सेंटीमीटर, वहीं दोस्तों ST वालों के लिए रहेगी 160 सेंटीमीटर। हालांकि ये दोस्तों मेल की है। सीना की बात करें जहाँ पर दोस्तों सामान्य OBC और यहाँ पर SC वालों के लिए जो है 69 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर रहेगा। SC वालों के लिए जो है 77 सेंटीमीटर जो है बिना फुलाने पर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर यहाँ पर होगा। वहीं दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई की, जहाँ पर जो है सामान्य OBC और SC वालों के लिए 152 सेंटीमीटर यहाँ पर जो है फीमेल में होनी चाहिए हाइट। वहीं दोस्तों ST वालों के लिए यहां पर महिलाओं में रहेगी 147 सेंटीमीटर हाइट। वजन की बात करें जहां पर 40 किलोग्राम वजन होना चाहिए महिला अभ्यर्थियों का। वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा की, जहां पर दोस्तों पुरुष अभ्यर्थियों हेतु जो है 4.8 किलोमीटर की दौड़ अधिकतम जो है 28 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों हेतु जो है 2.4 किलोमीटर की दौड़ अधिकतम जो है 16 मिनट में पूरी करनी होगी, यहां पर ये आवश्यक है। अब बात करते हैं यहाँ पर चयन और अंतिम श्रेष्ठता सूची की, जो कि यहाँ पर आपको पता ही होगा। अब आगे बात करते हैं कुछ और डिटेल की, जहां पर आपको आरक्षण और आयु सीमा में कुछ छूट दी जाएगी, जो कि कुछ इस प्रकार आपको मिलेगी। जहां पर SC ST और OBC वालों को यहां पर जो है 5 वर्ष की आयु में छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर इस वैकेंसी की कुछ और डिटेल की, जो कि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और आप सभी को जाननी ही चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों ऑनलाइन लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम आप देख सकते हैं, कुछ यहाँ पर इस प्रकार का पाठ्यक्रम है, सामान्य हिंदी का, विज्ञान और सामान्य ज्ञान का। यहाँ पर इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पर आपका जो पेपर देखने को मिलेगा, पेपर में पर्सन देखने को मिलेंगे, उनका यहाँ पर इस प्रकार पाठ्यक्रम रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर यह सहायक परिचालक का यहाँ पर पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस और यहां पर अन्य जो जानकारी थी उसके बारे में डिटेल आपको बता दी है। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी वैकेंसी की, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जहां पर प्रधान परिचालक और प्रधान परिचालक यांत्रिक के पदों पर सीधी भर्ती 2022 के लिए आ चुकी है और यहां पर आपको पोस्ट मिलेगी 936। तो आपको बता दें कि प्रधान परिचालक की यहां पर 828 पोस्ट है और प्रधान परिचालक यांत्रिक के लिए 108 पोस्ट है। कुल यहां पर 936 पोस्ट है, जिसमें से सामान्य कैटेगरी के लोगों के लिए 300 यहां पर 79 पोस्ट है। वहीं दोस्तों EWS कैटेगरी के लोगों के लिए 92 पोस्ट है, OBC कैटेगरी के लोगों के लिए 252 पोस्ट है, वहीं यहां पर SC वालों के लिए 195 पोस्ट है। इसके अलावा ST वालों के लिए 18 पोस्ट है और वहीं दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 18 पोस्ट है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 46 पोस्ट है, महिलाओं के लिए 146 पोस्ट रखी गई है। वहीं दोस्तों ऑनलाइन आवेदन की बात करते हैं, जहां पर दोस्तों ऑनलाइन आवेदन की स्टार्ट डेट यहां पर 20 जनवरी 2022 और लास्ट डेट 28 फरवरी 2022। आवेदन शुल्क की बात करें, जहां पर दोस्तों सभी कैटेगरी के लोगों के लिए 400 रुपए यहां पर आवेदन शुल्क है। अब दोस्तों बात करते हैं यहां पर शर्तों की, योग्यता की, जहां पर दोस्तों इस वैकेंसी के लिए, इस भर्ती के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए या फिर यहां पर दोस्तों किसी अन्य देश का नागरिक है तो भी चल जाएगा, हालांकि कुछ यहां पर कंडीशन आप पर लागू होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, जहां पर दोस्तों भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल,
कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो है 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए। यानी दोस्तों यदि आपने इनमें से किसी में भी बीटेक किया हुआ है तो यहाँ पर दोस्तों इस भर्ती में आप फॉर्म लगा पाएंगे। वही दोस्तों 28 फरवरी 2022 से पहले यहाँ पर दोस्तों आपका जो डिग्री है वह कंप्लीट होना चाहिए तो आप इस भर्ती में फॉर्म भर पाएंगे। आयु की बात करते हैं जहां पर दोस्तों 20 वर्ष से लेकर 28 वर्ष यहां पर इस वैकेंसी की उम्र रखी गई है, आयु रखी गई है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कुछ और वैकेंसी की डिटेल की। जहां पर दोस्तों भर्ती की चयन प्रक्रिया की बात करें तो यहां पर दोस्तों पिछली वैकेंसी की तरह इस भर्ती की प्रक्रिया रहने वाली है। ऑनलाइन लिखित एग्जाम की बात करें जहाँ पर 400 अंकों का पेपर होगा और यहाँ पर दोस्तों वही पैटर्न रहेगा जो कि यहाँ पर पिछली वैकेंसी का रहा है। इसके अलावा इस वैकेंसी में भी नॉर्मलाइजेशन होगा और यहाँ पर दोस्तों 50% आपका प्रत्येक विषय में लाना अनिवार्य यहाँ पर भी किया गया है। इसके अलावा दोस्तों जो भी यहाँ पर जो है पिछले नोटिफिकेशन में डिटेल दी गई थी वह यहाँ पर इंफॉर्मेशन इस वैकेंसी की भी है। और यहाँ पर दोस्तों इसके अलावा तीसरे यहाँ पर नोटिफिकेशन की अभी हम बात करते हैं और वहाँ पर दोस्तों तीसरा नोटिफिकेशन यानी तीसरी यहाँ पर जो वैकेंसी निकल के सामने आई है उसका भी आपको पोस्टमार्टम करके यहाँ पर पूरा ब्यौरा देते हैं। तो यहाँ पर तीसरी वैकेंसी निकल के सामने आई है कर्मशाला कर्मचारी के पदों पर सीधी भर्ती 2022 की और यहाँ पर आपको पोस्ट मिलेगी 122 जहाँ पर दोस्तों सामान्य कैटेगरी के लोगों के लिए 51 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों के लिए 11 पोस्ट है, ओबीसी वालों के लिए 32 पोस्ट है, एससी वालों के लिए 24 है और एसटी वालों के लिए 2 पोस्ट यहाँ पर है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 2 पोस्ट है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5 पोस्ट है, महिलाओं के लिए 23 पोस्ट है यहाँ पर। वही दोस्तों ऑनलाइन आवेदन की यहाँ पर बात करें जहाँ पर दोस्तों ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा 20 जनवरी से और यहाँ पर खत्म होगा 28 फरवरी को। वही दोस्तों बात करें आवेदन शुल्क की जहाँ पर 400 रुपये सभी कैटेगरी के लोगों के लिए है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इस वैकेंसी की जो योग्यता है, जो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस है, जो यहाँ पर दोस्तों पैटर्न है वह यहाँ पर सेम रहने वाला है। तो इसीलिए इस वैकेंसी का पूरा नोटिफिकेशन आप अपने आप पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों 20 जनवरी से यहाँ पर फॉर्म जब स्टार्ट होंगे तो वहाँ पर आपको फॉर्म कैसे भरना है वह वीडियो हम प्रोवाइड करा देंगे। तो इसीलिए अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।